ओम शांति। तो सवेरे सुना तो समझ में आया, संसार में गृहस्थ में रहते हुए सुख और शांति कैसे, क्योंकि बाबा ने कहा स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, स्वयं को परिवर्तन करना। लेकिन उसके साथ और एक चीज रह गई कि भारत में स्वर्ग था, वो नरक किसने बनाया? भारत स्वर्ग था, देवताएं रहते थे, तो भारत नर्क किसने बनाया? सब लोग कहते हैं माताओं ने बनाया। हाँ बताओ, माताओं ने बनाया? नहीं, सोच के बताओ। सब लोग कहते हैं पता नहीं हमको, माताओं ने बनाया। मैंने बनाया कैसे? माताओं ने बनाया। अभी देखो माता जी क्या करती है, सब्जी काटती है, खाना बच गया कुछ भी किचरा घर में जगा, थैले में प्लास्टिक में डाला, घर से बाहर फेंक दिया, गाय खाएंगी, माता ही करती है ऐसा? बताओ, सब्जी बच गई, सब्जी के छिलके, खाना कुछ झाड़ू लगाया, किचरा प्लास्टिक में डाल के कहाँ फेंकते हो? रास्ते पर फेंकते हो, तो गाय प्लास्टिक खाएंगी। तो ये भारत में सारा प्लास्टिक गंदगी किसने किया? माता गुरुओं ने किया कि नहीं? हाँ, तब बाबा ने आकर के माताओं के ऊपर फिर से वही माता भारत को स्वर्ग बनाएगी। भारत माता ने भी ऐसा किया था, उसी को फिर से ज्ञान देना पड़ेगा ना। ज्ञान से भारत को स्वर्ग बनाएगी कौन? माता गुरु। तो कैसे करेंगे? तो पवित्रता किसको कहा? ब्रह्मा कुमारी आश्रम में, ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पवित्रता किसको? सिर्फ आत्मा ही कि सिर्फ शरीर ही कि कैसे होगा? भारत को स्वर्ग बनाना तो कौन बनाएगा? शिव बाबा ऊपर से बनाएगा? कौन बनाएगा? तो माता गुरु बनाएगी। कैसे? अब वो चाहिए तो पहले कहा तीन प्रकार की पवित्रता है, प्रजा के लिए अलग, राजा के लिए अलग, राज परिवार में जो आने वाले उनके लिए अलग। तीन प्रकार के लोग हैं, राजा, रॉयल फैमिली और प्रजा। तो आपको क्या बनना चाहते हो? प्रजा, राजा। तो उनके लिए पवित्रता क्या है? तो सबसे पहले प्रजा के लिए तन स्वच्छ और मन स्वच्छ, शारीरिक और मानसिक स्वच्छता ही प्रजा के लिए पवित्रता है, ये नंबर वन। शरीर स्वच्छ, किसी के बाजू में बैठो बास आती है, नहीं पसीना आता है, शरीर को स्वच्छ चाहिए। देखो थोड़ा सा ऐसे खुजली खाती है, क्यों क्यों ऐसे इचिंग हो रहा है? चमड़ी को पानी लग गया तो वहां सड़ जाता है, बारीक अगर माइक्रोस्कोप लगाओ दूरबीन तो देखना इतने बड़े बड़े कीड़े घूमते हैं। शरीर स्वच्छ चाहिए, सारी बीमारियों का कारण पसीना आता है, तो सवेरे शाम को दो ब्राह्मण दो दफा स्नान करते हैं, शरीर को स्वच्छ पहले। फिर दूसरा कहा मन को स्वच्छ, किसी को देखते ही शुभ बाबा या आपका बच्चा है, इसका कल्याण करो, इसको सद्बुद्धि दो, है ना। ये दो प्रकार के मानसिक स्वच्छता, नंबर वन पवित्रता। शरीर स्वच्छ, अभी शरीर एक ही नहीं, शरीर के बाद कपड़े, कल पहने थे वो भी आज पहने रहे हो नहीं, भले फटे हुए भी हो रोज कपड़े धो करके स्वच्छ करके पहनना चाहिए। एक दिन आप कोशिश करके देख लो कि सवेरे स्नान नहीं करो, सीधा मुरली क्लास में आके बैठो और देख लो, और एक दिन स्नान करके अच्छे कपड़े पहन करके आके बैठ के देख लो, दोनों में अंतर क्या होगा करके देख लो। जिस दिन स्नान करके आते हो कपड़े पहन के स्वच्छ हल्का लगता है, स्नान नहीं किया ऐसे उठे सवेरे, योग भी नहीं किया ऐसे उठ के आके बैठ जाओ, मुरली सुनी सुन रहे हो समझ में नहीं आता है। तन की स्वच्छता भी जरूर चाहिए, है ना। तन को स्वच्छ रखो, कपड़े स्वच्छ रखो।